हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल से ही अपने YouTube वीडियो की जो वॉइस है उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वीडियो से नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। दोस्तों, चाहे आपके वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी हो, आपके वीडियो का कंटेंट चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी वॉइस में नॉइस है तो दोस्तों आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों एक बार हो सकता है कि आपकी वीडियो की थंबनेल और आपकी वीडियो का SEO आपने अच्छा किया तो आपको व्यू मिल जाए, लेकिन अगर वॉइस अच्छी नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है, आवाज में नॉइज आ रही है तो दोस्तों आपकी वीडियो को जो आपकी व्यूअर है वो स्किप कर देंगे, आपकी वीडियो को वॉच टाइम नहीं मिलेगा, जिससे आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे सर्च रैंक से आउट कर देगा। तो दोस्तों जरूरी है कि हमारी वीडियो से हमारी वीडियो की जो वॉइस है वो भी अच्छी हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम कैसे सिर्फ अपने मोबाइल का यूज करके वीडियो से नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। अब जानते हैं कि हम अपने मोबाइल से नॉइस को कैसे रिमूव करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको आपकी वीडियो से जो नॉइस है उसको रिमूव करने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको नॉइस रिड्यूसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जैसे ही इसे आप ओपन करते हैं तो आपको इसमें कुछ परमिशंस अलाउ कर देनी है जिससे आप इसमें अपनी वीडियोज की जो वॉइस है उसको क्लियर कर पाए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पर जो इम्पोर्ट फाइल का जो प्लस आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम वीडियो पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी वीडियो की नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसी भी एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसमें पहले आपको वीडियो से MP3 को अलग करना है और उस MP3 से आपको आपकी वीडियो की जो नॉइस है उसको क्लियर करना है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने वीडियो की नॉइस को रिमूव कर पाएंगे। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो की जो गैलरी फाइल है वो खुल जाएगी, तो आपको यहाँ से आपका कोई भी एक वीडियो ले लेगा। तो जैसा अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपने जो वीडियो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर प्रोसेसिंग पे है, डी नॉइस हो रहा है। अब दोस्तों हमारी वीडियो की जो नॉइस है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो प्रोसेसिंग फिनिश्ड और ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो आप सुनना चाहें तो इस तरीके से आप प्ले पे कीजिए ओरिजिनल, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल आ रही है। और जो डी नॉइस करने के बाद में जो नॉइस लेस आपकी जो वीडियो है वो यहाँ से आप प्ले करके सुन सकते हैं। अगर आपको लगे इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉइस और रिमूव करना है तो दोस्तों यही प्रोसेस आपको दोबारा से करनी है, जिससे आप आसानी से अपनी वीडियो की नॉइस को और ज्यादा रिमूव कर पाएंगे। लेकिन आपको पहली बार में ही यहाँ से आपकी जो नॉइस है वीडियो की वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। चाहे आपने आपकी जो वीडियो की जो वॉइस है वो आपने अपने कैमरा से रिकॉर्ड की, अपने मोबाइल से, या फिर कोई किसी भी एक्स्ट्रा माइक से, यहाँ से दोस्तों आप किसी भी वॉइस को आसानी से नॉइस रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम अपने YouTube वीडियो के लिए वीडियो की जो आवाज है उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं, उसमें से नॉइस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। दोस्तों इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।